दोस्तों डायलिसिस स्टार्ट करने के दौरान सबसे पहले डायलिसर को डायलिसर बॉक्स के साथ मैच करके देखें कि जो नाम डायलिसर बॉक्स पर है वही डायलिसर पर है या नहीं। फिर उसे दूसरे स्टाफ के साथ भी क्रॉस चेक करें और साथ ही मरीज का उनसे नाम पूछकर कंफर्म कर लें कि यह डायलिसर उसी पेशेंट का है या नहीं। पेशेंट के डिटेल्स मैच होने के बाद ही डायलिसर को मशीन पे माउंट करें। डायलिसर स्वैपिंग से मरीज को कई तरह के हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि खतरनाक इन्फेक्शन HIV, हेपेटाइटिस, ब्लड टाइप इनकंपैटिबिलिटी, क्रॉस कंटामिनेशन, हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी, ट्रीटमेंट इनएफिशिएंसी। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरीज के साथ इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो तो डायलिसर को सही तरह से लेबल कीजिए। डायलिसर के ऊपर सभी डिटेल्स को सही सही भरिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।